एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें बहुत सारे पेड़ थे। उनमें एक बहुत ही बदसूरत पेड़ था जो दिखने में बड़ा ही बदसूरत था, जिसकी टहनियां इधर उधर निकली हुई थी। वह अपनी बदसूरती के कारण बहुत ही उदास रहता था, क्योंकि उसके आसपास के सभी पेड़ बहुत सुंदर थे और वे उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वह बदसूरत पेड़ बहुत ही उदास था और रो रहा था। उसे रोता हुआ देखकर उसके आसपास के पेड़ हंसते हुए बोले, क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? वह बदसूरत पेड़ रोते हुए बोला, मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बदसूरत हूँ और तुम लोग कितने सुंदर हो। मैं कितना अभागा हूँ जो इतना बदसूरत हुआ हूँ। दूसरे सभी पेड़ बोले, हाँ हाँ हम सुंदर तो है, तू बहुत बदसूरत है, तो अब रो क्यों रहा है? इतना कहकर सभी पेड़ हंसने लगे। कुछ समय बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। लकड़हारा जंगल में उन सभी पेड़ों का निरीक्षण करने लगा। इसके बाद वह लकड़हारा बदसूरत पेड़ के पास जाता है और उसे देखता है। लकड़हारा उस बदसूरत पेड़ को देखकर कहता है, यह पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है, कोई और पेड़ देखता हूँ। लकड़हारा उस बदसूरत पेड़ को छोड़ देता है और उसके आसपास के पेड़ों को देखने लगता है। उसे वे आसपास के पेड़ पसंद आ जाते हैं और वह उन्हें काटने लगता है। सभी पेड़ जोर जोर से रोने लगते हैं। यह देखकर बदसूरत पेड़ भगवान का शुक्रिया अदा करता है और सोचता है कि भगवान ने हमें जैसा बनाया है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर भगवान ने उसे भी सुंदर पेड़ बनाया होता तो लकड़हारा उसे भी सभी पेड़ों की तरह काट डालता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।